स्वागत आपका एक बार फिर। स्वागत आप देखिए न्यूज 11 भारत। एक बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है। अपर बाजार मामले में ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर अपने आप में, कुछ देर में इस मामले पर फैसला आ सकता है। दुकानदार अब बेसब्री से उस फैसले का इंतजार करें। अब देखना यह है कि दुकानदारों को राहत मिलती है ट्रिब्यूनल के फैसले से या झटका लगता है। बता दें आपको कि इससे पहले हाईकोर्ट भी गए थे ये दुकानदार, तब हाईकोर्ट ने 7 दिनों के भीतर, जो कि 7वां दिन आज है, तो ट्रिब्यूनल को कहा था कि 7 दिनों के भीतर इस मामले में कुछ फैसला आप दें। बता दें आपको कि अपर बाजार में पार्किंग में 17 दुकानों को चलाने का यह मामला है। जब इन दुकानों को सील करने के लिए निगम की एनफोर्समेंट टीम पहुंची थी तो काफी बवाल हुआ था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जब फैसला लिया गया था तो हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट जब गए थे दुकानदार। अब ज्यादा जानकारी लेते हैं सीधे हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? और अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी अजय लाल, क्या जानकारी फिलहाल है? दुकानदारों में बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा इस मामले को लेकर। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपर बाजार के दुकानदारों के ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार है। मुझे लगता है कि दुकानदारों के पक्ष में फैसला आना चाहिए। जब राजधानी रांची बनी नहीं थी, जब ये पुरानी रांची थी, जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था, उस वक्त कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली थी। जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, जब पटना नगर निगम से नक्शे पास होते थे, तब यहाँ के दुकानों की स्थापना हुई थी। और अब ये कह देना कि आप रांची नगर निगम का नक्शा लेकर आइए, बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापारियों को परेशान करने की जरूरत है। आपको यकीन नहीं होगा, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपर बाजार के पास, कई ऐसी दुकानें हैं जिसकी स्थापना 1960 के आसपास हुई, 1959 के आसपास हुई। कई ऐसी दुकानें हैं जिसकी स्थापना 1972 के आसपास हुई। जाहिर सी बात है, उस वक्त पुरानी रांची बिल्कुल वीरान लगती थी और लोगों ने, व्यापारियों ने धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके को बढ़ाया, पूरे इलाके को डेवलप किया। और अब ये कह देना लगभग 50-60 साल बाद कि आप रांची नगर निगम का नक्शा लेकर आइए, ये कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। व्यापारियों में गुस्सा है नगर निगम के खिलाफ और उम्मीद जताई जा रही है कि जो ट्रिब्यूनल के फैसले आएंगे वो दुकानदारों के पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है कि कुछ दुकानदार भी मेरे साथ आ गए हैं। सर, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, जो ऐसा कि मैंने कहा कि जब कैमरा देखेंगे कि जब रांची नगर निगम की स्थापना नहीं हुई थी तब यहाँ दुकानें बनी थी, और अब ये कहना कि नक्शा लेकर आइए। देखिए, जब ये रांची बिल्कुल सुनसान था, वीरान था, तो मतलब कुछ व्यापारियों ने आकर के इस रांची को बसाया। और ये आज के दिन में ये हमारे शहर के अंदर में, रांची शहर के अंदर, इसको हम एक छोटे से लफ्ज में कह सकते हैं, हार्ट ऑफ द टाउन, एक ऐसा बाजार है जहां पर लोगों की जरूरतों की सारी चीजें उपलब्ध हैं। ट्रिब्यूनल से क्या उम्मीद कर रहे हैं? ट्रिब्यूनल का फैसला आने वाला है। ट्रिब्यूनल से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की जो स्थिति है, बिल्कुल आप नजर बना रहे हैं, और ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आता है, इंतजार हमें भी इस बात का है, क्योंकि हमने देखा था दुकानदारों के विरोध को, क्योंकि एक बड़ा तनाव वाला माहौल पैदा हो गया था अपर बाजार में। आप नजर बनाए रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े अजय लाल। तो बीते दिनों जब एनफोर्समेंट टीम पहुंची थी तो एक आक्रोश देखने को मिला था दुकानदारों में, और दुकानदारों ने काफी विरोध किया था उस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।